दोस्तों क्रिकेट में जीतना तो हर टीम चाहती है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। स्लेजिंग और चीटिंग सब तो इनके लिए छोटे पड़ जाएंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया की इन चीटिंग मूवमेंट को देखोगे। नंबर 3, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस मैच में बॉल बैट्समैन के ग्लव्स में लगती हुई स्लिप्स के किनारे जाती है और तभी वहां मौजूद रिकी पॉन्टिंग डाइव लगाकर एक कैच पकड़ते हैं, लेकिन कैच के दौरान बॉल जमीन पर टच हो जाती है और जब अंपायर रिकी पॉन्टिंग से पूछते हैं तो रिकी पॉन्टिंग बड़े कॉन्फिडेंस से आउट का सिग्नल देते हैं, जिसके बाद अंपायर की भी उंगली खड़ी हो जाती है, लेकिन कैमरा इस सारी चीटिंग का भांडा फोड़ देता है। नंबर 2, यहाँ मार्कवुड की बॉल बैट में लगकर ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन जब मार्कवुड बॉल को कैच करने पहुंचते हैं तो मैथ्यू वुड उन्हें हाथ से रास्ते में रोक देते हैं। अब वैसे तो ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी बैट्समैन को आउट नहीं दिया गया था। नंबर 1, 1988 का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड को लास्ट बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एक अंडर आर्म बॉल डाल देता है और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है। अब वैसे तो इसे उस टाइम पर गलत नहीं माना जाता था, लेकिन आज भी इसे क्रिकेट हिस्ट्री में चीटिंग माना जाता है।